विक्रमगंज में कृषि विज्ञान केंद्र में मोटा अनाज प्रसंस्करण तकनीक सह मिलेट फूड फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष में कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज के द्वारा मंगलवार को 3 दिवसीय मोटा अनाज प्रसंस्करण तकनीक सह मिलेट फूड फेस्ट का आयोजन डॉक्टर शोभा रानी वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान के अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर शोभा रानी ने बताया कि यह कार्यक्रम मोटा अनाज के प्रति जागरूकता एवं जिले में खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने मिलेट के स्वास्थ्य एवं जलवायु पर होने वाले अनुकूल प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। आइए, आपको इस मौके पर क्या कह रही हैं गीता रानी, आपको सुनवाते हैं। बाजरा का दाना, बाजरा का ये भूंजा है और ये ज्वार का भूंजा है, तो ये भूंजा बना के भी इसको खाया जाता है और ये सारे पौष्टिक उत्पाद है। और आज आवश्यकता यह है कि हम अपने हम चावल भात बनाए, उसका अगर हम रोटी बनाए या विभिन्न तरह के उत्पाद बना के हम लोग खाएं, तो जो हमारे शरीर में जितना प्रोटीन जाएगा, जितना विटामिन जाएगा, जितना मिनरल्स होता है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जाएगा, वो क्या करेगा, हमारे शरीर को निरोग रखेगा, हमारे स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। और आज के समय में हमको मतलब ये भी आपके उदाहरण स्वरूप बताना चाह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या अपने यूपी के मंत्री जो योगी जी हैं, ये लोग गेहूं और चावल एकदम ही छोड़ दिए, बिल्कुल ही नहीं खा रहे हम आज के समय में, केवल मोटा अनाज खा रही, इसीलिए क्योंकि अपने देश में अभी मोटे अनाज के उत्पादन पे और उसके उपभोग पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमें स्वास्थ्य देखना है। अभी के समय में हम पूरे समाज को अपना स्वास्थ्य देखना है कि हम कम से कम बीमार पड़े, नहीं बीमार पड़े, और इस नहीं बीमार पड़ने के लिए हमको पौष्टिक चीज खानी है। पौष्टिक चीज जो हमारे गाँव में भी उपलब्ध है, जिसको हम लोग